हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? फिर से एक बार आपका अपने चैनल टुटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज दोपहर में आपकी आंसर की आ चुकी है। लगभग 90% दोस्तों ने अपने आंसर की वेरीफाई कर ली होगी, मिला ली होगी, जो आंसर की आई है उससे मैच कर ली होगी, उनको पता चल गया होगा अपना स्कोर। लेकिन उसके बाद भी क्या है, कई प्रश्न ऐसे हैं जो गलत हैं, कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके आंसर दो हो सकते हैं, और कई ऐसे प्रश्न हैं विवादास्पद हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ करने के बाद अब काम शुरू होता है हमारा और आपका कि आखिर हम इससे कैसे निजात पाएं, जो हमें घाटा हो रहा है उसका लाभ हम कैसे लें। तो इसके लिए हमें आपत्ति दर्ज करानी है। तो कई दोस्तों के मेरे पास मैसेजर आ रहे हैं, कई ने इनबॉक्स में भी मैसेज किया हुआ है, यूट्यूब पे भी कमेंट किया हुआ है कि सर बताएं हमें कैसे आपत्ति दर्ज करानी है। तो ये विज्ञप्ति हमें थोड़ा सा, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया, थोड़ा सा डार्क नहीं है, मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा आपको, आपकी हेल्प भी करूंगा। तो लिखा हुआ है दिनांक 18/11/2018 की आज। ठीक है, तो इसमें हम कुछ नहीं करना है, यूपी ये बोर्ड 21 से कर सकते हैं। हमें देखना है कि 23 साल, लेकिन मैंने अभी विज्ञप्ति देखी नहीं है, लेकिन मैं पढ़ रहा था जहाँ पे डेट वहाँ पे शायद बढ़ा के 24 कर दी गई है। ठीक है, तो 24 तक आप भेज सकते हैं, लेकिन मैंने देखा नहीं, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, तो मेरे हिसाब से आप 23 ही मान के चलें। अब मैं कह दूँ 24 है, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी है 24 है, लेकिन मैंने विज्ञप्ति नहीं पढ़ी है, तो आप मान के चलिए अभी तक कि जब तक ऑफिशियल विज्ञप्ति नहीं आ जाती है, तो 23 तक ये आपको आपत्ति दर्ज करानी है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें 24 दिया हुआ था। ठीक है, अब मैंने बनाया, मैं दिखाता हूँ आपको करना क्या है। तो मैंने ये बनाया, अगर किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न का उत्तर को लेकर कोई आपत्ति है तो साक्ष्यों के साथ उसे 24 नवंबर शाम 6 बजे तक ईमेल कर सकता है। लेकिन मैंने जो न्यूज़पेपर पढ़ी है उसके आधार में बार बार कह रहा हूँ 24 बनाया, आप 23 मान के ही चलिए। ठीक है, करना क्या है आपको, आप देख रहे हैं रेड स्क्रीन पे एक ईमेल आईडी दी हुई है, इस आईडी पे आपको एक परफॉर्म में भर के सारा कुछ भेजना है। ठीक है, ये परफॉर्म मैंने बनाया हुआ है, ढेर सारे दोस्तों का मेरे पास ऑलरेडी ईमेल आईडी आ चुकी है। अगर आपके पास ये परफॉर्म नहीं है, अगर आप नहीं बना सकते हैं, तो मुझे मेरे वीडियो के नीचे आप अपना ईमेल आईडी डाल दें, मैं एक बार 9 से 10 बजे के आसपास बैठूंगा और सबको एक साथ ही मैं भेजूंगा, क्योंकि बारी बारी से सबके पास भेजना मुनासिब नहीं है, या मेरे लिए थोड़ा दुष्कर है वो। ठीक है, तो ये फॉर्मेट मैं आपको भेज दूंगा। आपको क्या करना है, इसमें क्रम संख्या मतलब जो सीरियल नंबर है आपको वो डाल देना है, परीक्षा का स्तर जो भी है आपका, ठीक है, लेवल 1 लेवल 2 जूनियर और प्राइमरी जो भी वो डाल देना, आपका जो प्रश्न पुस्तिका की सीरीज के ABCD जो है वो डाल देनी है, क्योंकि हमने ये ज़्यादा बॉक्सेस लिए बनाया गया कि हो सकता है आपके पास क्वेश्चन 6-7 हों। ठीक है, तो जो आपको सीरीज है आपको वो डाल देना है। जारी उत्तर माला के अनुसार उत्तर कौन सा है, जो इन्होंने जारी किया ऑफिशियल, उसके अनुसार बताना है, आपके अकॉर्डिंग उसका आंसर क्या हो सकता है ये बताना है, और उसके लिए आप साक्ष्य क्या प्रस्तुत कर रहे हैं ये चीज़ें आपको बताना है। ठीक है, तो ये चीज़ दिया इन्होंने दिया हुआ है कि आपत्ति ऑनलाइन के अलावा व्यक्तिगत पोस्ट या किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं की जाएगी, यानी आपको जो आपत्ति दर्ज करानी है वो केवल और केवल ऑनलाइन दर्ज करानी है, और ये ईमेल आईडी आप नोट कर लें। ठीक है, इसी ईमेल आईडी पे आपको मेल करनी, जैसे सिंपली आप किसी को मेल करते हैं वैसे ही मेल करनी है। मैं बोल देता हूँ, आप देखें यूपी टेट लिखना है आपको, यूपी टेट लिख दिया आपने, यूपी टेट, फिर हेल्प लिखना है, यूपी टेट के बाद लिखना है आपको हेल्प लाइन, बस यूपी टेट हेल्प लाइन @gmail.com, आप इतना याद रख लें, या इस वीडियो को देख के आप समझ जाएंगे कि क्या है। इस पे आपको करना है MS Excel या MS Word में टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। तो मैंने MS Word में बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में आप अपना ईमेल आईडी डाल दें, मैं 9 और 10 के बीच में जितने भी लोग, कभी कम से कम 50-60 लोग पास ऑलरेडी मेरे पास मेल आ चुके हैं, तो मैं सबको बैठूंगा और एक साथ ही मेल कर दूंगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मेट में भर के 23 तक अगर विज्ञप्ति आ जाती है, 24 मान के चलें, अपना साख जुटा लें और अवश्य सेंड कर दें। ठीक है, हम आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, नए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अंत तक देखने लगा बहुत बहुत धन्यवाद।